है कि ये वीरों की धरती है। आपने यहाँ से कितने अपने जवान बेटे हमारी सरहदों पे भेजे, सेना में भेजे, हमारी देश की रक्षा करने के लिए। इसीलिए ये धरती हमारे लिए हमेशा पवित्र धरती मानी जाएगी। कोई ऐसा युद्ध नहीं रहा जिसमें आपने अपने बेटे नहीं भेजे, जिसमें आपने इस देश की रक्षा के लिए अपनी भूमिका नहीं निभाई। इस देश की हिफाजत की जिम्मेदारी इसलिए आप ही की है। आज चुनाव का समय है, चुनाव के समय सारे तमाम पार्टियों के नेता आपके पास आते हैं, भाषण देते हैं, आप ध्यान से उनके भाषण सुनते हैं और फिर आप तय करते हैं कि अगले 5 सालों में इस देश का भविष्य कौन बनाएगा। सही बात है? तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी आप अपने बेटों को सरहद पे भेजकर निभाते हो, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आप जब अपना वोट डालते हो तो आप अपने देश के प्रति निभाते हो। आज जो देश में हालात हैं उनके बारे में आपसे मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, इसलिए आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पर 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली ये कि जो देश में 10 सालों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है वो किस तरह की सरकार है, उसने आपके लिए क्या क्या किया, क्या नहीं किया, और हमारे प्रधानमंत्री जी की का ध्यान क्या आपके प्रति है या फिर कहीं और रहता है। मोटे तौर पे आपको ये एक बात समझनी पड़ेगी। दूसरी बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी क्या परिस्थितियां हैं। तो इन दोनों चीजों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहली बात ये कि आपकी परिस्थिति क्या है। आज देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं का सामना करते हो। आप देश के किसान हो, मजदूर हो, देशवासी हो, आपका जो जीवन है, जो आपके संघर्ष हैं, आप सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, किसी को रोजगार किसी के पास है, किसी के पास रोजगार नहीं है, कोई जॉब कर रहा है, कोई खेती में काम करता है, कोई महिला कहीं काम करती है, खेती में हाथ बटा देती है, फिर घर आके काम करती है। आप इस समय अपने जीवन के समय रोजाना कौन सी मुश्किलों का सामना करते हो? आज देश में परिस्थितियां ये है कि बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है। मेरे सारे भाई यहाँ पे खड़े हैं, आप बताइए आप में से किसी को रोजगार मिला है पिछले 10 सालों में? आप ये भी बताइए कि आप में से पढ़े लिखे कितने बच्चे हैं? देखा, सारे हाथ उठे हैं। अब पढ़े लिखे आप हैं, आपके माता पिता ने खूब मेहनत करके पढ़ाया है। आज किसी भी छोटे गांव में चले जाएं आप, मैं यूपी में काफी घूमी हूं, यूपी के छोटे से छोटे गांव में, गरीब से गरीब घर में परिवार के जो सदस्य हैं सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का जो भविष्य हो वो उनके भविष्य से ज्यादा उज्जवल हो। सारे माता पिता यही चाहते हैं, चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, रोजगार मिलेगा, कमाएगा, हम बूढ़े होंगे, हमारी भी देखभाल करेगा। इसीलिए बहुत मेहनत से, चाहे किसी भी तरह से कमा पाए, मुश्किल से वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं। अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इतना करना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको कुछ खरीदना पड़ता है, फीस भरनी पड़ती है, बच्चों के लिए कपड़े, यूनिफॉर्म, वर्दी खरीदनी पड़ती है,
मुश्किल पड़ती है। आजकल महंगाई इतनी है कि मिट्टी के तेल का भाव, दाल का भाव, सब्जियों का भाव सब बढ़ गया है, तो बच्चों की परवरिश करना भी एक तरह से मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी आप मेहनत करके करते हैं। बच्चा बड़ा होता है, इम्तिहान देता है, पढ़ाई में पास भी हो जाता है, फिर भर्ती के इम्तिहान आते हैं। अब उसके सामने क्या दिखता है उसे? भर्ती के इम्तिहान है, ट्यूशन लगता है, ट्यूशन के लिए आपको फीस भरनी पड़ती है, फिर आप शायद कुछ कर्ज लेंगे या फिर खूब मेहनत करके और फीस के पैसे इकट्ठे करेंगे और उस बच्चे को ट्यूशन भी करा देंगे भर्ती के इम्तिहानों के लिए। आगे बढ़ते हैं, वो इम्तिहान देता है, इम्तिहान देता है, परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, घोटाले हो जाते हैं, कोई कहीं पे बैठा हुआ उस बच्चे की मेहनत का फायदा उठा के खूब पैसे कमा रहा है लेकिन उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये होता है कि नहीं होता है? होता है। आप जानते हैं आप में से कितने लोगों ने पेपर दिए होंगे ऐसे? तो ये आप भर्ती के जब परीक्षा देते हैं तो आपके साथ ये होता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि भाई देखें, हो सकता है सरकार ने कोई स्कीम निकाली हो मेरे रोजगार के लिए। पता चलता है कि जो अच्छे अच्छे रोजगार थे उनको सरकार खत्म कर रही है। कैसे? आप अपने बच्चों को सेना में भेजते हैं, सरकार क्या लाती है? अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर स्कीम का मतलब बेटा सेना में भर्ती होगा, 4 सालों बाद घर आ जाएगा, फिर से बेरोजगार होगा। जो सारी जितनी भी सुविधाएं पहले मिलती थी सेना में, कोई सुविधा नहीं मिलेगी उसको। वो वापस आ जाएगा 4 सालों बाद, 5 सालों बाद, और फिर से घर पे नौकरी ढूंढने का काम शुरू करेगा। इस सरकार ने जहां जहां से आपको रोजगार मिल रहे थे वो सारे साधन बंद कर दिए। सरकार के बड़े बड़े कारखाने होते थे जिनको हम PSU कहते हैं, उनके सारे सब्सिडरी इन्होंने अपने खरबपति मित्रों को दे दिए हैं। देश का कोयला, देश के कोयले के खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की सड़कें, बिजली बनाने के जितने भी कारखाने थे, आज सारे प्रधानमंत्री जी के गिने चुने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दिए गए हैं। ये आपकी संपत्ति थी। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ आपको बिजली, कोयला ये सब नहीं मिलता था, इससे आपको रोजगार भी मिलता था। यहां से रोजगार बनते थे। और कहां से बनते थे रोजगार? जो छोटे और मध्यम जो इंडस्ट्री है हमारी, मतलब ये छोटे कारोबार जैसे यहाँ पे शहर में पूरे हैं, दुकानें, छोटे कारोबार, कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, कोई कुछ बना रहा है, इसमें आसानी से रोजगार मिल जाता था। कोई बिजनेस कर रहा है अपना, 2-3 लोगों को लगा लेगा, 50 लोगों को लगाएगा, 100 लोगों को लगाएगा, रोजगार मिल जाता था। नोटबंदी लाए मोदी जी, आपको बताया गया देशभक्ति कर रहे हो, आप लाइन में खड़े हो जाओ कतार में, आप सब देशभक्त हो, देशवासी हो, आपने मोदी जी की बात मानी, चले गए अपनी बचत लेके। मोदी जी ने आपसे कहा कि देखना इससे सारा काला धन वापस इस देश में आएगा। क्या आया? क्या आया? कोई हिसाब दिया उन्होंने आपको कि भाई इतना काला धन आया? नहीं दिया, क्योंकि आया ही नहीं। आपको कतार में खड़ा कर दिया। साथ साथ क्या हुआ? जो छोटे कारोबार थे, छोटे बिजनेस थे, छोटे दुकानदार थे, सारे पिस गए। नोटबंदी के बाद GST लाए, GST से हर चीज पे टैक्स। आज आप कुछ भी खरीदने जाएं उस पे टैक्स है। पेट्रोल, डीजल आप खरीद नहीं सकते। महंगाई वैसे भी इतनी बढ़ गई है, उनके दाम बढ़ गए हैं, उनको अलग छोड़िए, बाकी हर चीज पे GST है। आप कुछ सब्जी खरीदने जाएंगे, खाना खरीदने जाएंगे, कपड़े खरीदने जाएंगे, कुछ कहीं पे आप किसी चाय की दुकान में बैठ के चाय पियेंगे, कहां भी कुछ भी आप लेंगे, आज हर चीज में महंगाई इसलिए है क्योंकि GST हर चीज पे है। अब आपसे मैं एक बहुत दिलचस्प बात बताती हूँ। आप पे तो लग गई GST, खेती किसानी के सारे सामान पे लगी हुई है GST, दुकान में जाते हो GST,
सब कुछ महंगा, गैस का सिलेंडर 1200 का, बड़े बड़े खरबपतियों पे जो टैक्स लगी है, क्या मोदी जी ने उस टैक्स को भी बढ़ाया है इन 10 सालों में? नहीं बढ़ाया है। उन पे टैक्स जो लगती है वो वहीं की वहीं है, और आप पे टैक्स जो लग रही है वो बढ़ गई है। उनके कर्ज मोदी जी ने 16 लाख करोड़ माफ किए हैं। सोच भी सकते हैं कि कितना है ये पैसा? मैं खुद नहीं सोच सकती, इसलिए जहां जहां मैं भाषण देती हूँ कभी गलती से 16,000 बोल देती हूँ, फिर मैं उतरती हूँ मंच से, मेरे ऑफिस के लोग कहते हैं भाई 16 लाख है, 16 लाख करोड़। मतलब किसी साधारण इंसान के दिमाग में भी इतना बड़ा एक आंकड़ा समझना मुश्किल है। और ये क्या कर रहे हैं? अपने बड़े बड़े खरबपति मित्र जो हैं, जो 20-22 इस देश में बड़े खरबपति हैं, उनके 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिए। अब आप पूछेंगे, हमें जब किसान जब कर्ज लेता है, जब उसकी बेटी की शादी होती है, मैंने तो ऐसे किसानों को देखा है जो 50-50 हजार रुपए का कर्ज ले रहे हैं शादी करवाने के लिए अपनी बेटियों का की, और वो आत्महत्या कर देते हैं क्योंकि वो कर्ज नहीं लौटा पाते। 10 हजार रुपए के लिए, 50 हजार रुपए के लिए, 1 लाख रुपए के लिए आज देश का किसान आत्महत्या करता है, और देश का खरबपति देश की संपत्ति से, आपके सरकारी बैंकों से 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अपना माफ करा देता है। ये चल रही है बहनों और भाइयों सरकार आपके देश में। जब आपके बेटे सरहद पे जाते हैं, खून पसीना दे के आते हैं देश के लिए, तो उनकी ये उम्मीद है कि जो सिंहासन पे बैठेगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका ध्यान सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों की तरफ होगा? क्या ये उम्मीद रखते हैं आप अपने नेताओं से? कैसी परंपरा रही है हमारे देश की, महात्माओं से लेकर राजनीति से पहले धर्म की जो परंपराएं रही हैं, उन्हीं ने तो हमारी राजनीति की परंपरा की नींव डाली। महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किया ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, किस पे आधारित था वो? हिंदू धर्म की सीख पे आधारित था। कांग्रेस पार्टी किस पे आधारित है? हिंदू धर्म जो सिखाता है उस पे आधारित है। कैसे? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किया उसमें एक ही उनकी धारणा थी, सत्य, सत्य के पथ पे चलना, और उस सत्य के आधार पर ये देश आजाद हुआ। ये हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा है गुरुओं महात्माओं से लेकर आज तक हमारी परंपरा ये रही है इस देश की कि जो सत्ता में रहता है वो देश की सेवा ही उसका धर्म बनता है, और वो धर्म को इस तरह निभाता है कि वो देश की जनता को सर्वोपरि रखता है, भगवान की तरह मानता है। ये हमारी परंपरा रही है। आज हमारी सरकार जो है वो जनता के लिए नहीं चल रही है, वो आपके लिए नहीं चल रही है। कैसे पता चलता है? जब इनके नेता, भाजपा के नेता आपके सामने भाषण देने आते हैं, तो जरा मुझे बताइए कि क्या क्या बातें करते हैं। मोदी जी से के मुंह से अगर किसी एक जने ने ये शब्द बेरोजगारी सुना हो तो हाथ उठाओ। सुना है? 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं, अरे पूरी दुनिया में नाम बनाए आए हैं, पूरी दुनिया का भ्रमण कराए हैं, अपने लिए 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के खरीद भी लिए हैं और भ्रमण किए हैं, अमेरिका से लेके इटली से लेके फ्रांस, पता नहीं कहां कहां घूम आए हैं। अच्छी बात है, कहते हैं देश का नाम मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मोदी जी क्या इस देश की जनता को भूल गए हैं, या फिर सत्ता इतनी हो गई है और मीडिया का अपार समर्थन है,
खरबपतियों का अपार पैसा धन है कि जनता से कट चुके हैं। और भाई और बहनों, ये होता है, कोई पुलिस का बड़ा अफसर होता है, उसके सामने जो छोटे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो डरते हैं कभी कभी सच बताने से, कभी कोई गलती हो गई, कुछ हो गया, बताएंगे नहीं। कोई सरकारी अधिकारी होता है, बहुत सत्ता होती है उसकी, बहुत अहंकार होता है, तो बाकी जो लोग हैं उनके पियान, उनके यहाँ जो काम करते हैं वो डरते हैं। मैंने देखा है प्रधानमंत्रियों के साथ क्या होता है, चमचे आ जाते हैं इर्द गिर्द, आते कि नहीं, सुबह उठते हो कहते हैं बहुत खिल रहे हैं नेताजी, भाषण देते हो कहते हैं बाबा क्या भाषण दिया आपने, आज तो आपने बढ़िया भाषण दिया। कुछ काम करते हो, किसी से मिल लेते हो, कहते हैं कि आज तो प्रधानमंत्री जी आपने तो सबको दिखा दिया, वाह किस तरह से आप मिले उस किसान से, है ना, यही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आसपास के लोग हैं वो सच्चाई नहीं बताते हैं। जब वो सच्चाई बताना बंद करते हैं तो नेता कट जाता है जनता से। आज मोदी जी महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूमते हैं, आपके बीच आते हैं तो इस तरह से मंच पे आते हैं। कभी किसी के घर में देखा है उनको, किसी के गांव में जाते हुए देखा है? मैं यूपी में काम करती हूँ, वाराणसी उनका क्षेत्र है, वहां एक ऐसा घर नहीं है जहां वो चले गए पूछने किसान से कि भाई क्या हाल है तुम्हारे, कैसे जी रहे हो, ये जो महंगाई मैंने की है तुम्हारे लिए इसका सामना तुम कैसे कर रहे हो, जो बेरोजगारी है उसका सामना तुम कैसे कर रहे हो, घर पे पैसे कैसे आते हैं, बच्चे बड़े कैसे होते हैं, कभी नहीं पूछा मोदी जी ने। कट गए हैं आपसे पूरी तरह। मोदी जी मंच पे आते हैं, बड़े बड़े उद्घाटन करते हैं, टीवी पे दिखते हैं, भाषण देते हैं तो इतने साफ सुथरे, एक लकीर नहीं, धूल मिट्टी का तो नाम ही निशान नहीं है। अरे कैसे जानेंगे कि किस धूल मिट्टी में जी रहे हैं आप, किस दलदल में फंसे हैं आप गरीबी के, कैसे जानेंगे, कौन बताने वाला रह गया है, कोई नहीं रहा, जान नहीं पाएंगे, जानना चाहें तो भी जान नहीं पाएंगे। 10 सालों में उन्होंने इस देश को के गरीब को किस तरह से और भी गरीबी में ढकेल दिया है, ये जानकारी उनके पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके बीच आना ही बंद हो गया है। आप देखते हैं उनको पूरी शान शोहरत, ये देश की जो मीडिया है, जो मेरे सामने मेरे भाई खड़े हुए हैं, ये तो सब खरबपतियों ने खरीद रखे हैं सारे चैनल, जो दिखाना चाहते हैं दिखाते हैं, जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं। विपक्ष को इस कदर दबा रखा है मोदी जी ने, कोशिश कर रहे हैं पूरी, लेकिन हम लड़ते रहते हैं, हम खड़े रहते हैं, हम आवाज उठाते रहते हैं, क्योंकि हम इनकी सत्ता से डरते नहीं हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है कि हद से ज्यादा इन्होंने सत्ता बटोर रखी है, धन बटोर रखा है। आपको कहते हैं बहुत ईमानदार हैं, कहते हैं कि देखो सब विपक्ष के नेता मेरे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि मैं अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। कहते हैं ना, सुना है आपने टीवी पे कि मोदी जी खुद कहते हैं, अपने मुंह मियां मिट्टू खुद कहते हैं कि मैं ही एक इंसान हूं जो इस पूरे देश में ईमानदार हैं, बाकी सारे भ्रष्ट हैं। और क्या करते हैं ये ईमानदार इंसान, एक ऐसी स्कीम निकालते हैं जिसको कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। क्या है ये स्कीम, ऐसी निकाली इन्होंने कि जो भी इनको चंदा देगा, जो भी इनको चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। तो बड़े बड़े उद्योगपति खरबपति जाने कौन चंदा दिए, ये लोग इकट्ठे करते रहे। आज इस दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में, सबसे अमीर पार्टी, राजनीतिक पार्टी कौन सी है, कौन बताएगा? देखो सब जानते हो, सब जानते हो, ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं अपने जिले के ऑफिस में, इनके लिए जो भी काम करता है उनको थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। हमारे बेचारे सेवा दल के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप लोग बैठे हो,
क्या मिलता है आपको? आप सेवा करते हो, नारे लगाते हो, आंदोलन करते हो, आपको तो कोई वेतन नहीं देता। आप तो इसलिए करते हो क्योंकि आपके दिल की भावना है। वहां भाजपा में पैसा ही पैसा है। ये पैसा आया कहां से? कोई पूछेगा, ये पैसा आया कहां से, ये धन आया कहां से? ये इतना धनी इतना अमीर राजनीतिक दल बना कैसे? इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम लाए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस आया, न्यायाधीश ने बोला कि भाई ये गलत स्कीम है, भ्रष्टाचार होगा इससे, जो सूची है उसको पारदर्शी कराओ, पूरी जनता को बता दो कि किसने क्या दिया। तो पहले तो इनको वो सूची मिली नहीं, दो दिन इधर उधर बैंक बोलने लग गया भाई सूची नहीं है हमारे पास। दो दिन बाद फिर से डांट खाए कचहरी में जाके, न्यायाधीश ने बोला हमें नहीं मालूम, लिस्ट निकालो। लिस्ट निकली बहनों और भाइयों, और किस किस से चंदा लिया था। अच्छा, जैसे ही लिस्ट निकली, मोदी जी घबरा गए, अमित शाह जी घबरा गए, इंटरव्यू पे इंटरव्यू देने लग गए कि भैया हमने तो पारदर्शी कर दी है, देश में पहली बार जिसने चंदा जिस जिस को दिया वो पारदर्शी एक सूची आ गई है। अरे आपने थोड़ी पारदर्शी की, वो तो कोर्ट में न्यायाधीश ने कहा पारदर्शी बनाओ, इसीलिए पारदर्शी की। आपने तो गुप्त स्कीम निकाली थी। ठीक है, अब सुनिए कि चंदा किसने दिया। आपको याद है गुजरात में एक पुल गिर गया था, आपने टीवी पे देखा होगा, सैकड़ों लोग नदी में बह गए थे, याद है? जिसने पुल बनाया उसने चंदा दिया। आप सबको वैक्सीन लगी थी कोविड की? किस किस को लगी? मुझे लगी दो दो बार, हम सबको लगी वैक्सीन के वो जो क्या कहते हैं उसको, सर्टिफिकेट को, उस पे किसका चेहरा था? जोर से बोलो, मोदी जी का चेहरा था ना। मोदी जी खुद अपना चेहरा लगाए कि मैंने पूरे देश में वैक्सीन लगाई है और दुनिया भर में भी वैक्सीन भेज दी है, मोदी जी खुद कहते थे। आज क्या पता चल रहा है कि उस वैक्सीन में कुछ और भी था, मतलब कि उस वैक्सीन से कुछ लोगों को ऐसी दिल का दौरा पड़ सकता है, अचानक वो मर जाते हैं, आज पता चल रहा है। आज उसी वैक्सीन की कंपनी ने, और सुन लीजिए एक ही कंपनी थी, ये नहीं कि 10-10 कंपनियों को बोला कि वैक्सीन बना दो, एक ही कंपनी थी, उसने वैक्सीन बनाई, हम सब ने वैक्सीन ली, हम सबको सर्टिफिकेट मिली, और कुछ लोग नौजवान बिल्कुल ठीक अपना जिम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, इस तरह से मंच पे भाषण दे रहे हैं, वहीं पे गिर के मर गए। आज वो वैक्सीन की कंपनी कहती है कि हाँ इसमें कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों का रिएक्शन हो सकता है इससे। उस वैक्सीन की कंपनी से मोदी जी के पार्टी ने चंदा लिया। जिन लोगों पे मोदी जी ने छापा लगवाया था उनसे फिर उनकी पार्टी चंदा लेती है, छापेबंद। फिर जिन पे केस डाले थे और जिन पे मुकदमे डाले थे उनसे चंदा लेते हैं, मुकदमे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो आप बताइए, चंदा ले रहे थे कि वसूली कर रहे थे? जैसे छोटे जो रस्ते के गुंडे होते हैं जो आके आपकी दुकान पे बोलते हैं भाई हफ्ता दो, यही तो कर रहे थे ये लोग। और ऐसे कर करके अपनी पार्टी को सबसे अमीर पार्टी बना दिया देश में। तो ध्यान कहाँ है इन लोगों का? ध्यान आपके ऊपर है, आपकी बेरोजगारी, आपकी गरीबी, आपकी खेती पे। किसान ने आंदोलन किया एक दो साल पहले, आपको याद है, दिल्ली के बाहर लाखों किसान बैठे। क्या मोदी जी निकले? मोदी जी निकले बात करने के लिए? क्या मोदी जी ने कहा कि भाई तुम बहुत प्रताड़ित हो, तुम में से 10-15 लोग घर आ जाओ, मिल लो, बता दो क्या बात है, क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं ये कानून मेरे? नहीं कहा। वो कानून उन्होंने वापस तब लिए जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था। बहनों और भाइयों, जब चुनाव दिखने लगा तो अचानक कानून वापस ले लिए।
जब 600 किसान शहीद हो रहे थे तब कुछ नहीं किया, जब आपका मंत्री, इनकी सरकार का मंत्री उत्तर प्रदेश में और उसका बेटा जीप के पहियों के नीचे किसानों को कुचल रहा है, तो आप मंत्री को बचा रहे हो, उसके बेटे को बचा रहे हो? मैंने जाने की कोशिश की, उनके परिवार से मिलने के लिए मुझे गिरफ्तार कर दिया, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जिसने किसानों को कुचला। ये सरकार चल रही है तो अब ये सारी बातें आपके सामने हो रही हैं। मैंने आपको कहा देश की परिस्थिति समझो, समझो किस तरह की स्कीमें आ रही हैं, किस तरह से देश की सरकार बड़े खरबपतियों के लिए चल रही है, और फिर अपने अनुभव को समझो। अरे रोज सुबह उठते हो, नौकरी ढूंढने निकलते हो, क्या मिलता है? कोई मोदी जी टीवी में से निकल के आपको नौकरी दे रहे हैं? दुकान जाते हो, मोदी जी कहते हैं चुनाव आ रहा है, लो गैस सिलेंडर में से 200 माफ। 200 माफ? 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे हो आप? कहते हैं हम बड़ी स्कीम लाए महिलाओं के लिए, बहनों सुनो, कहते हैं लो फॉर्म भरो 1200 रुपए आपको दिलवाएंगे। आपको कहना चाहिए 1200 रुपए में मैं क्या खरीद पाऊंगी एक सिलेंडर आज के दिन में। कांग्रेस पार्टी स्कीम लाई है 8,500 रुपए हर महीने आपको देंगे, सालाना 1,00,000 रुपए देंगे। नौजवान खड़े हैं, नौजवानों को हम स्नातक पास को 1,00,000 रुपए सालाना का अप्रेंटिसशिप देंगे। 30 लाख रोजगार खाली पड़े हैं। मोदी जी 10 सालों से आपको यहाँ पे इवेंट बाजी दिखा रहे हैं, लेकिन वो 30 लाख पद नहीं भर पाए। इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, मैं पहले कह रही थी इनके जो नेता हैं कहते हैं कि अरे वाह मोदी जी जैसा कोई नहीं, ऐसे चुटकी बजाएंगे सारे जंग बंद हो जाएंगे दुनिया में। वाह, तो चुटकी बजाएं, रोजगार दें, चुटकी बजाएं, महंगाई कम करें, चुटकी बजाएं, नया अस्पताल दें कि बना के दें, आपको संस्थाएं बनाएं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सारे कांग्रेस के जितने भी नेता रहे प्रधानमंत्री उन्होंने बनाई, IIT, IIM, एम्स, ये सब किसने बनाया? ये चुटकी बजाते रहे और आप खाई में रहे और खड़े रहे, आप संघर्ष करते रहे, आप गरीबी में धंसे रहे, आपको मदद करने के लिए नहीं आए। ये बात समझ लीजिए भाई और बहनों, आपके दिलों में इस देश के लिए कुछ प्रेम होगा कि आप अपने बच्चों को सरहद पे भेजते हैं, एक भावना होगी देशभक्ति की, नौटंकी की नहीं जो आपके सामने ये लोग दिखाते हैं, नौटंकी की नहीं, असली देशभक्ति की भावना। मैं ज्यादा इन चीजों के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूं कि 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी, मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है, लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं? जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल
तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने अपने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ, पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे। उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर, और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे, जो बच्चे बचे थे उन्होंने कहा, दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका भाई एयरफोर्स में था, उसने कहा, दीदी मैं पायलट बनूंगी, मैं एयरफोर्स में भर्ती होंगी। यही है शहादत की भावना। ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डाले, मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में वो जाता है कचहरी, जाएगा कुछ भी कर ले, मार डाले, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। और क्योंकि हमारे दिल में ये भावना है, इसीलिए आज आपके सामने खड़े होकर मैं आपसे एक आग्रह करने आई हूं। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपसे आग्रह करने आई हूं कि देश की जनता हो सर्वोपरि हो, जागरूक हो जाओ। जो टीवी पे दिख रहा है, जो रोज रोज सिखाया जा रहा है, जो रोज रोज दिखाया जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं, वो सच्चाई नहीं है। तुम्हारा जीवन सच्चाई है, तुम जो लाल शर्ट पहन के वहां बैठे हो, तुम्हारा जीवन सच्चाई है, जो तुम पीली शर्ट पहन के वहां बैठे हो, मेरी बहन जो नीली साड़ी पहनी है, तुम्हारा जीवन सच्चाई है। सच्चाई वो है जो तुम जी रहे हो। सच्चाई महंगाई है, सच्चाई बेरोजगारी है, सच्चाई एक सरकार है जिसके हित में इस देश का गरीब नहीं रहा। इस सच्चाई को पहचानो, ये देश किस दिशा में जा रहा है, इस देश के नेता कितने निकम्मे बन गए हैं कि जब आपके सामने आते हैं 10 सालों के राज के बाद आपको एक चीज नहीं गिनाते जो इन्होंने आपके लिए की, आपको सिर्फ धर्म की बात बताते हैं, वो बात जिससे आपके जज्बात उभरे, जिससे आपको लगे कि मेरे धर्म पे कुछ आंच आने वाली है, जिससे आपको लगे कि कोई मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके जरिए आपका वोट लेते हैं और सत्ता में रहते हैं। पहचानिए इनको, इनकी सच्चाई को पहचानिए। हम सब धार्मिक हैं, इस देश में कोई ऐसा नहीं है जो धार्मिक नहीं है। इंदिरा जी ने मुझे सिखाया पूजा करना, पूजा का कमरा था उनके कमरे के पास, रोज सुबह बैठती थी, इंदिरा जी ने सिखाया। राजीव जी के साथ में मंदिर जाती थी। मेरी माँ जो यहाँ आई विदेश से, यहाँ की परंपराएं सीखी, उन्होंने मुझे सिखाया धर्म क्या होता है, हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म सत्य है। ये देश, इस देश का आधार सत्यमेव जयते है। हम जान देते हैं, हम सरहद पे जाते हैं तो सत्यमेव जयते नाम मुंह में लेकर, हम ये लफ्ज मुंह में लेकर जाते हैं, दिल में लेकर जाते हैं। और ये लोग आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,
जब जब चुनाव आता है इनकी बातें सुनिए। कभी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र चुराने वाली है, कभी कहते हैं कि एक्सरे लेकर एक्सरे मशीन, मोदी जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, मैंने टीवी यूं घुमाया कि हो सकता है कुछ गलती है। आपको कहते हैं कि एक्सरे मशीन लेके कांग्रेस पार्टी आपके घरों में घुस के आपके मंगलसूत्र, आपका सोना, आपकी संपत्ति ले जाएंगे। ऐसी फिजूल की बात आपने सुनी है? 55 सालों के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार चली इस देश में, कभी किसी ने आपके मंगलसूत्र चोरी किए? कभी किसी ने आपके घर में घुस के आपके आपका सोना चोरी किया? इंदिरा जी ने अपना सोना दिया देश के लिए जब जंग थी। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान है। कोई कांग्रेस पार्टी आपका कुछ छीनने वाली नहीं है। इंदिरा जी ने पट्टे दिलवाए गरीबों को, इन्होंने ये सिलसिला बंद किया पट्टे दिलवाने का, जमीन छीन के बड़े बड़े खरबपतियों को दी। अभी मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा से आई हूँ, वहां कोयले का खदान था, जमीन थी गरीबों की, जमीन भी ली, खदान भी लिया, दे दिया खरबपति मित्रों को। आज रोजगार नहीं मिल रहा है वहां पे लोगों को। और ये कहते हैं कि हम आके आपकी चोरी करेंगे। समझ लीजिए कि क्या हो रहा है देश में। आज तो उन्होंने इससे भी बड़ी बात कह दी। सुनिए, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पद की गरिमा है, एक गंभीरता है। उस पद पे ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे हैं जो शहीद हुए देश के लिए, जो आपके सामने आकर इधर उधर की उल्टी सीधी बातें नहीं करते थे। और ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आज इस देश की जनता के सामने आकर कहते हैं, आज ही की बात है, कि सावधान रहो, अगर तुम्हारे पास दो भैंस हैं तो कांग्रेस पार्टी आके एक भैंस चुरा देगी। बताओ, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, ये जो आवारा पशु की समस्या इन्होंने बना रखी है ना पूरे यूपी में, मध्य प्रदेश में, एक आध भैंस इकट्ठी करके गौशाला में रख लें, बंद करवाएं ये सब जो आवारा पशु की समस्या है आपकी, गौशालाएं बनाएं, गौशालाओं को मजबूत बनाएं, जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने किया। मालूम है आपको, कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में ऐसी गौशालाएं बनाए जिसमें से महिलाओं को आमदनी मिल रही थी, गोबर खरीद रही थी सरकार, ताकि उन जानवरों की भी देखभाल अच्छी तरह से हो और आपको भी समस्या ना हो। बात यह है कि जब नियत ठीक होती है तो नीति भी ठीक होती है, जब नियत गलत होती है तो नीतियां भी गलत होती हैं। आज नीतियां इस आधार पे नहीं बन रही है कि आज का आम आदमी, इस देश का साधारण व्यक्ति कैसे जी रहा है, क्या संघर्ष कर रहा है। आज सरकार की नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। अब मैंने खूब लंबी बातें कर ली, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, मैं देख रही हूं। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई थी कि जागरूक बनो, गहराई से इन बातों को समझो, जो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है उसको पहचानो, जिसने सालों के लिए, दशकों के लिए, पीढ़ियों के लिए आपके लिए काम किया, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलता है ये कहने के लिए कि ये देश एक है, जनता को बताने के लिए कि हम सब एक परिवार है, हम सब भाई बहन हैं, उसको पहचानो और अपनी सच्चाई, अपनी असलियत को पहचान के ये जो कीमती वोट है जो संविधान ने आपको दिया है, इसको आप एकदम विवेक से इस्तेमाल करो। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि किसी नेता के लिए अपना वोट दो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि मेरे लिए अपना वोट दो, कि कांग्रेस पार्टी को ही जाना चाहिए। मैं कह रही हूं अपने विवेक का इस्तेमाल करो, पहचानो असलियत को, और ये जो वोट है ना, ये अपने अधिकारों को मजबूत करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, इस देश के भविष्य को बुलंद बनाने के लिए डालो, इस देश के संविधान को बचाने के लिए डालो, इस देश के अधिकार, आपके अधिकार, आपके आरक्षण को बचाने के लिए डालो।
ये आपका वोट बहुत कीमती है, इसको हल्के में मत लेना, इसको हल्के में मत लेना। कुछ भी करिए, लेकिन पोलिंग के दिन जब आप पोलिंग पे जाएंगे, दो मिनट के लिए, या दो मिनट नहीं, दो सेकंड के लिए जरा चुपचाप आप खड़े होकर सोचिए कि मेरा वोट किसको जा रहा है, मेरे वोट से क्या मेरे गांव में विकास आएगा, मेरे वोट से क्या मेरे बच्चों को रोजगार मिलेगा, मेरे वोट से क्या ऐसी स्कीमें आएंगी जिससे मेरा फायदा होगा। कांग्रेस की बहुत सारी स्कीमें हैं, मैंने आपको कहा कि 30 लाख जो रोजगार है उनको भरने की स्कीम है, बहनों को 1 लाख रुपए सालाना देने की स्कीम है, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्कीम है और हम इसको गारंटी बोल रहे हैं। गारंटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने करके दिखाया है बहनों और भाइयों, कर्नाटका में आज महिलाओं को मिल रहे हैं हर महीने पैसे, बस यात्रा मुफ्त में कर रही हैं महिलाएं, तेलंगाना में आज जितनी भी गारंटी दी थी वो पूरी हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ कराए, क्योंकि हम आपको आपके हित में काम करते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, ये मौका दीजिए। मैं जानती हूं कि जब आप अपनी समझदारी से जागरूक होकर पूरे विवेक से अपना वोट डालेंगे तो एक ही उम्मीदवार जीतेगा यहाँ, ये लो नीतू सिकरवार, इधर आओ। मैं जानती हूं क्योंकि बहुत हो गया है बहनों और भाइयों, बहुत देख लिया आपने, बहुत सुन लिया है, अब सच्चाई पे उतरो, इस देश को बचाओ और अपने भविष्य को बचाओ।